हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बाय आरपी इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून यानी कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे FRI का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, FRI देहरादून रिक्रूटमेंट 2022-23 नोटिफिकेशन MTS टेक्नीशियन LDC के लिए यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 24 दिसंबर 2022 से, और इसका लास्ट डेट होने वाला है 23 जनवरी 2022 तक। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल OBC EVS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ीस रखी गई है 1500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। वहीं SC ST और PWD और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए यहाँ पे 700 रुपये की फ़ी रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट जो है, यहाँ पे पोस्ट वाइज एज लिमिट रखी गई है, जो कि यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 18 से 27 है, और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 21 से 30 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 72 पोस्ट आई हुई है, जिसका आप वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं jobrasta.com की वेबसाइट पे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अप्लाई लिंक पे क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 स्टेप में आपको फॉर्म कम्प्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप SNO सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो यहाँ पे आप SNO सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है 3 वर्ष से ज़्यादा, तो यहाँ पे आप SNO सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आप ICFRE के एम्प्लाई हैं, तो यहाँ पे आप SNO सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, देन यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ गया है। बेसिक डिटेल्स में आपको अपने फादर का नेम इंटर करना है, अपने मदर का नेम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी, स्टेट और यहाँ पे पिन कोड इंटर कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम है चेक मार्क पे क्लिक कर लेना है। अगर सेम नहीं है तो यहाँ से अनचेक करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स देना है, तो यहाँ पे आप SSC यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि यहाँ पे PDF फाइल में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना
टेंथ का यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन को रीड आउट करना है, देन यहाँ से आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री चेक मार्क पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन होकर आ चुका है। अब आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है उसे एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर आपका डिटेल सही है तो यहाँ से आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपका डिटेल्स नहीं सही है तो यहाँ से आप एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने डिटेल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 1500 रुपये की फ़ी यहाँ पे करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के यहाँ से आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों यहां पे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहां से आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।